गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भवानी, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज स्पेशल जगह पे हम जाने वाले हैं। बहुत वेट के बाद फाइनली हमारे यहाँ पे H&M खुल चुका है। पहले हम जब कोलकाता जाते थे तब भी हमारा शॉपिंग होता था H&M पे। वैसे तो 22 मार्च को खुल चुका है, आज 38 मार्च, तो आज ही हम जा रहे हैं, आज ही हमको टाइम मिला, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए आप लोगों को भी साथ में लेके चलते हैं H&M। अभी हम पहुंच चुके हैं H&M। ये खुला है वेगा सर्कल मॉल के साइड में, स्टारबक्स के बिल्डिंग में। तो चलिए अंदर चलते हैं। बहुत ही अच्छे से सजाया है, एक क्लासी सा वाइब आ रही है, और ये बहुत ही बड़ा एरिया लेके बनाया गया है। फर्स्ट डे पे तो मैंने देखा था बहुत भीड़ था, लेकिन हम लोग एक हफ्ते बाद आए हैं, आज भी बहुत भीड़ है, और आज भी हम बहुत देर से आए, रात के 8 बज चुका है। रीजनेबल प्राइस में है सभी आइटम्स। आप लोगों को लग सकता है कि H&M है बहुत हाई फाई प्राइस होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लो टू हाई प्राइस में ही है सभी कुछ, जैसे कि 299, 399, 699 से स्टार्ट करके 1299, 1499। कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पे 40% ऑफ भी है, और शॉप फॉर 3500 में 20% ऑफ नेक्स्ट परचेज पे मिल रहा है। जो लोग थोड़ा डिसेंट और सोवर कलर के कपड़े पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए तो परफेक्ट प्लेस है H&M। कपड़ों के बारे में तो क्या बोलना, प्योर कॉटन के कपड़े हैं, जो समर के लिए बिल्कुल आइडियल है, परफेक्ट फॉर समर। और ये सनग्लासेस है 799 से स्टार्टिंग। बहुत सारे ज्वेलरीज भी हैं जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 399। और यहाँ पे बैग कलेक्शन भी है, ज़्यादातर मैंने प्राइस यहाँ पे बैग्स के 1499 ही देखा है। यहाँ पे ये नेल पेंट्स हैं 299 के हैं। पूरा शॉप तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई, लेकिन ज़्यादातर मतलब हाफ तो मैंने कवर किया है। तो हम लोग नीचे एक्सप्लोर करके ऊपर चले आए। ऊपर है किड्स और मेन सेक्शन। किड्स के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्लोथिंग हैं यहाँ पे, जैसे स्टार्टिंग है 399 से 699, और बाय टू फॉर 599। मम्मी जीन्स चाहिए। बहुत छोटो बाबा के देखा।
और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिल सकता है ऑन परचेस बिल पे अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो। यहाँ पे भी आके आप कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आप लोगों घर से ही रजिस्ट्रेशन करके आए तो चट जल्दी हो जाता है। हमें भी पता था, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में कर नहीं पाए, तो हम लोग यहाँ पे आके किया है, तो हमें टाइम लग गया। हस्बैंड और दो बच्चे फूड कोर्ट चले गए और मैं गई थी पैंटलून्स, कुछ मुझे बाहर से देख के पसंद आ गया था। इतना टाइम हो गया है, एस्केलेटर बंद कर दिया और मुझे फोर्थ फ्लोर तक जाना पड़ रहा है पैदल। लिफ्ट है लेकिन मैं अकेले अवॉइड ही करती हूँ। और यहाँ पे पकौड़ा ऑर्डर कर दिया था हस्बैंड ने, ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम। खाए डोसा, हस्बैंड की पसंद है, और मेरा पसंदीदा कॉफ़ी और बच्चों की पसंदीदा केएफसी। हमारा खाना पीना हो चुका है, हम अभी घर जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए। मैंने क्या क्या ख़रीदा है वो मैं घर जाके आप लोगों के साथ श्योर शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। हेलो गाइस, तो घर पहुँचते ही मैंने चेंज भी नहीं किया, 11:30 बज चुका है। H&M गई थी तो क्या क्या खरीदा वही आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं एक एक करके दिखाती हूँ। मैं पहले H&M गई थी, फिर H&M के बाद मैंने पैंटलून्स से भी शॉपिंग किया है, फिर हम लोग फूड कोर्ट चले गए थे, खाते खाते इतना रात हो गया है 11:30, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या परचेस किया है। पहले मैं H&M से क्या परचेस किया है वो दिखाती हूँ। चेंज वेंज करके फिर मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का, तो मैं अभी बिना चेंज किए ही वीडियो बना रही हूँ। तो पहले ही मेरे हाथ में आया है ये, मैंने मेरे लिए बड़ा साइज़ है, देख के पता चल गया होगा ये मेरे लिए है। देखिए बैकग्राउंड में शायद फैन का आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इतना गर्मी पड़ चुकी है, बिना फैन के आप रह नहीं पाओगे। देखिए ये मैंने ट्राउजर्स लिया है, ये लिया है 1499, और इसके बाद मैंने एक टॉप लिया है, और ये लिया है 1999। और ये मेरी छोटी बेटी के लिए नाइट सूट सेट, और ये शॉर्ट्स है, ये लिया है सेट का 1299, ये भी H&M से ही है, और ये भी मेरी छोटी बेटी का ही है। देखिए टी शर्ट है, क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो, ये भी H&M से है, ये लिया है 699। उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही हूँ इसीलिए। और ये मेरी बड़ी बेटी के लिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राउजर्स या फिर कार्गो पैंट पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए कुछ इस तरह की है, ये भी H&M से, ये 1799, और नीचे ये ऐसे इलास्टिक, छोटा बड़ा आप कर सकते हो, क्योंकि बारिश अगर कीचड़ है तो आप उठा के इसको टाइट कर दो नीचे से, तो ये नीचे नहीं गिरेगा, तो बेस्ट है बच्चों के लिए। बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी पहनते हैं इसको। मैंने तो इस टाइप का पहली बार खरीद के दिया है, देखते हैं अगर अच्छा लगा तो और एक
लिया जाएगा। मैंने जो दो लिया है ये प्योर कॉटन है, इतना सॉफ्ट है ना, शायद ये लिनन बोलते हैं इसको, और गर्मी में तो बहुत कंफर्टेबल होगा ये पहनने के लिए, तो मैंने यही सिर्फ दो लिया है। और बाकी ये मेरी छोटी बेटी के लिए है ट्राउजर्स, ये भी लूज, उसे इसी टाइप का पसंद है, देखिए ब्लैक कलर का, और ये भी H&M से है, ये 1299 का है। ये भी एकदम सैटिन जैसा फील है, कॉटन तो नहीं है, ये एकदम लाइट वेट है, कंफर्टेबल होगा पहनने के लिए। और ये भी मेरी छोटी बेटी के लिए है, ये भी ट्राउजर्स ही है, मैं बोल रही थी ना मैं कि उसे ढीला ढाला पैंट ही पसंद है, तो ये प्योर कॉटन है, बच्चों के लिए ऐसा बहुत कंफर्टेबल है। ये भी H&M से ही है, तो ये लिया है 999। और ये एक टी शर्ट है हेलो किटी, ये भी H&M से ही है, 799 लिया है। H&M का ख़त्म हो गया है, अभी मैं पैंटलून्स का स्टार्ट करती हूँ। पहले ही ये W का कुर्ती मैंने लिया है पैंटलून्स से, देखिए ये मुझे बाहर से ही देख के बहुत पसंद आया था, देखिए ये काम किया, लेस लगा हुआ है यहाँ पे, और हाथ में भी है ऐसे, ये लेस, और मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, बाहर से ही देख के, मैं सामने ही टंगा हुआ था तो मैं चली गई लेने के लिए। ये कुर्ती आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट पे। और ये दो टी शर्ट लिया है छोटी बेटी के लिए, जल्दी जल्दी इतना बढ़ रही है ना, सब टी शर्ट उसका छोटा पड़ गया है, तो इसके आगे भी शॉपिंग किया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज ही मैंने बना रही हूँ। शॉपर स्टॉप से लिया था टी शर्ट्स, तो बच्चों के लिए तो ज़्यादा कपड़े चाहिए ही होता है, तो इसीलिए जल्दी छोटा पड़ जाता है। अभी तो मेरी बड़ी बेटी का इतना छोटा नहीं होता, ये 299 करके टी शर्ट, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है इसका मटेरियल ना, शायद आप लोग भी बच्चों के लिए लेते ही होंगे। और ये लास्ट है, ये मैंने लिया है बड़ी बेटी के लिए, देखिए मैंने ही पसंद किया है इसको, फंकी मुझे बहुत पसंद आया, मुझे भी बचपन में ऐसा फंकी मतलब कार्टून वाला टी शर्ट बहुत पसंद था। ये है 1049 का, बेवकूफ ब्रांड है ये। तो गाइस मेरा वीडियो यही तक था, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।